हरे कृष्णा। सुबह सुबह आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है ये जानने की कोशिश करेंगे आज के रीडिंग से। टैरो में से 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। ये ख्याल ही बहुत प्यारा होता है कि सुबह आंख खुलते ही हमें किसी की याद आए और हमारा मन उसके बारे में सोचने लगे। क्या वो हमें याद कर रहे होंगे, क्या जज्बात होंगे, मतलब हर किसी के मन में ऐसे थॉट्स किसी न किसी के लिए तो आते ही है। और यही पे तो एहसास होता है सच्चे प्यार का। जैसे मान लीजिए आप अभी ये रीडिंग सुन रहे हैं, आप उनको याद कर रहे हैं, लेकिन शायद आपने उन्हें बताया नहीं होगा कि आई एम थिंकिंग अबाउट यू। तो क्या इसका मतलब ये नहीं कि आप सोच रहे हैं? सोचता तो हर कोई है। कुछ लोग अपने जज्बात बताते हैं, कुछ लोग अपने जज्बात छुपाते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच और ये 6। सुबह सुबह मैनिफेस्टेशन का यही फायदा होता है। जैसे ब्रह्म कुमारी का आप कोई भी मैनिफेस्टेशन सुन लीजिए, लाइक आज से मेरे साथ सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सेंटेंस भी अगर आप सुबह 108 बार कहते हैं तो भी आप अपने दिन में कई सारे पॉजिटिव बदलाव फील करते हैं। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है ये। तो जो लोग हमारे बारे में सोचते नहीं होते उनको भी वो पॉजिटिव वाइब पहुंच जाती है। जैसे दुनिया नेगेटिविटी से भरी हुई है ये तो सबको पता ही है, ऐसे में कहीं से अगर एक कोई पॉजिटिव ऑरा आपके बारे में सोच रहा है तो दूसरा सोल कनेक्शन उस ऑरे को फील कर पाता है और यही उसको याद आता है कि कोई तो है जो मेरे बारे में सच्चे दिल से सोच रहा है। और भले ही वो इंसान आपके बारे में ना सोचता, लेकिन ये वाइब्स उसको ये पहुंचाती है कि समवन इज थिंकिंग अबाउट यू और वो ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। जबरदस्ती के प्यार की बात नहीं हो रही है, लेकिन कोई अगर समझता है कि किसी के दिल में किसी के लिए सच्चे जज्बात है तो उस इंसान तक आपके जज्बात जरूर पहुंचते हैं। एनीवेज देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। पहला ही कार्ड है एस ऑफ कप्स का, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो या फिर पिसेस। ओवरफ्लो हुआ जा रहा है ये इंसान प्यार के बारे में सोचते हुए, लेकिन प्यार के साथ जो जज्बात है वो पैशन के भी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो लेडी है वो इसकी इमेज जो है वो नेकेड है और उसने एक कैंडल को पकड़ के रखा है, वो कैंडल फ्लेम हो रही है, यानी कि उनके अंदर कई सारे प्यार के जज्बात है जिसमें पैशन भी शामिल है। तो पैशनेट थॉट्स काफी ज्यादा उनके माइंड में आपके लिए आ रहे हैं। उन्हें लग रहा है ये है मेरा प्यार जिसके बारे में मैं ऐसा सोचती हूँ या ऐसा सोचता। तो सेकेंड कार्ड है लवर्स। कार्ड्स कभी झूठ नहीं बोलते। पहला कार्ड हमने देखा प्यार ओवरफ्लो हुआ जा रहा है और ये सेकंड कार्ड बता रहा है लवर्स। जैसे यहाँ पे एंजल इन दोनों को एक साथ ला रहे हैं, ये शादी ब्याह का कुछ लग रहा है, ये कबूतर वगैरह भी आए हैं, यानी कि पीसफुल माहौल है। ये जैसे एंजेलिक ब्लेसिंग के साथ ये दोनों भी यूनिवर्स के सामने घुटने टेक के एक दूसरे को एक्सेप्ट कर रहे हैं। शायद यही सपना उन्होंने रात को देखा है, मतलब आपका हाथ हाथ मिलेंगे, सब लोगों के सामने ये एक्सेप्ट करना, शी इज माइन और ही इज माइन। तो शादी से रिलेटेड कोई बात है, शायद इसीलिए ये इतने ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स शायद उनके मन में आ रहे हैं। फिर है 10 ऑफ कप्स। क्या बात है, आज का तो रीडिंग काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है। ये रहा शादी के बाद का माहौल, एक हैप्पी फैमिली।
जिसमें एक कपल है, एक बच्चा है, कुत्ता और एक बिल्ली, यहाँ तक कि सब लोग शामिल हैं। हंसी खुशी एक कंप्लीट फैमिली पिक्चर है। तो ये पिक्चर वो इमेजिन कर रहे हैं। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। फोर ऑफ वैंड्स, फायर साइन, एरिस, लियो या फिर सैजिटेरियस। जैसे यहाँ पे ये ट्री हाउस है, उसको देख के ये लड़की बहुत ज्यादा खुश हो रही है, वैसे ही शायद अपने सपनों के दुनिया को लेके ये कोई पर्सन कुछ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये ट्री हाउस बनाने के लिए कोई एक्शन तो लेनी पड़ी होगी, इसको बांधना पड़ा होगा इस ट्री के ऊपर। वैसे ही अगर उन्हें अपनी छोटी सी दुनिया बसानी है तो उसके लिए कोई एक्शन लेनी पड़ेगी, इसके बारे में सोच रहे हैं कि क्या एक्शन हो सकती है। जैसे इस बच्ची को ये घर चाहिए तो उसको अपने पेरेंट्स से बताना पड़ेगा। वैसे ही शायद उनके मन में ख्याल आ रहा है कि मुझे अगर अपनी छोटी सी दुनिया बसानी है, जिसपे यहाँ पे आप देख सकते छोटे छोटे हार्ट्स बने हुए हैं, तो खिड़कियां भी खोले तो भी इन दिल के शेप से वो हवा अंदर आ जाएगी। तो कितनी सारी प्यारी बातें इनके दिलो दिमाग में चल रही है ये तो आपको समझ में आया होगा। तो हो सकता है कुछ लोग अपनी फैमिली से अपने दिल के जज्बात शेयर करने के बारे में सोच रहे हैं कि ये है मेरा सपना, ये मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ अपनी जिंदगी में। फिर है नाइन ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। उन्हें लग रहा है कि उन्होंने जो मेहनत की है उसका बस अब उन्हें फल मिलने वाला है। जैसे यहाँ पे ये किसान आप देख रहे हैं, इसने अपनी टोकरी में भर भर के ये ग्रेप्स उतार के रख रहा है, लेकिन उसको खुशी हो रही है कि ये भर रहा है, लेकिन फिर भी ये फल यहाँ के कंप्लीट नहीं हो रहे। तो आप समझ सकते हैं कि किसी ने अगर बहुत मेहनत की है और उस मेहनत का उसको बहुत अच्छा फल मिल रहा है तो उसको कितनी खुशी होती है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं उसकी जो मुस्कान है वो छुप नहीं रही है। वैसे ही शायद आपके पर्सन ने भी अपनी फैमिली में शायद बहुत कुछ किया है अब तक, मतलब उन्हें यकीन है कि अगर वो फैमिली से बात करेंगे अपनी खुशियों को लेके तो वो लोग भी उन्हें मना नहीं करेंगे, क्योंकि इतना शायद उन्होंने अपनी फैमिली के लिए किया है। और अगर करियर कॉन्शियस वगैरह भी है तो भी करियर में अच्छा खासा उन्होंने कुछ शायद अपना एक नाम कमाया है, जिसकी वजह से एक उनका एक रुतबा है और उसी रुतबे के साथ ये शायद सोच रहे कि अगर वो आपका हाथ मांगने के बारे में किसी से बात करने वाले हैं तो भी ऐसी उनमें कोई बात नहीं है कि कोई उन्हें मना करे। तो शायद यही सब ख्याल है जिसके बारे में सोच के आज शायद काफी ज्यादा रोमांटिक है। और फिर है फाइव ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। जैसे यहाँ पे पांच कप है, ये छलक गए हैं और इसको समझ में नहीं आ रहा कि अब ये क्या करे इनका। वैसा अपने ही इमोशंस में शायद बहुत ज्यादा खोए हुए हैं, और जैसे कहते हैं ना, पॉजिटिविटी के साथ निगेटिव थॉट्स थोड़े से माइंड में आते हैं। तो कुछ ऐसी इमोशनल बातें हैं जिनके बारे में सोच के ये थोड़ा सा डर रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए, मतलब इतनी सब खुशियां मिलने वाली है। सब कार्ड आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी हैप्पीनेस है, यहाँ भी हैप्पी है, ये भी हैप्पी है, ये पर्सन भी हैप्पी है, और यहाँ पे ये लेडी जो है ये भी मुस्कुरा ही रही है। तो इतने सब पॉजिटिव कार्ड के साथ उनको थोड़ी सी निगेटिविटी कहीं से माइंड को अफेक्ट कर रही है कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, तो ये उनके इमोशंस है। अगर ये वाटर साइन है तो अपने जज्बातों में बहने की वजह से उन्हें ये डर शायद सता रहा है, आपको खोने का ये डर हो सकता है। फिर तो नसीब के ऊपर ज्यादा भरोसा है शायद इनको, फेट, डेस्टिनी, हमारे नसीब में ये मिलना था इसलिए हम मिले, हमारे नसीब में एक दूसरे से मिलना है तो हम मिलेंगे, इस तरह की बातें सोच रहे हैं। मतलब जैसे मान लीजिए दुनिया भरी पड़ी हुई है लोगों से, लेकिन हर किसी के साथ तो कोई कनेक्ट नहीं हो पाता, तो यहाँ पे बात आती है डेस्टिनी की। इमेजिनेशन, काफी सारी इमेजिनेशन है उनके दिलो दिमाग में। जैसे यहाँ पे भी हमने देखा शादी को लेके कुछ सोच रहे हैं, ये अपना सपनों का कुछ घर बसाना है उसके बारे में सोच रहे हैं, ये हैप्पी फैमिली है उसके बारे में सोच रहे हैं। तो कई सारी इमेजिनेशन राइट नाउ इनके मन में चल रही है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, जैसे यहाँ पे ये कार्ड है कि नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो शायद ये पर्सन अब तक अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए आ रहे हैं। यानी कि अगर करियर भी उन्होंने चूज किया है तो वो भी अपना एक जिंदगी के लिए अपनी खुद की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अच्छी खासी जिंदगी जिए, ये सोचते हुए शायद वो जॉब वगैरह भी करने पे उन्होंने स्टार्ट किया था जब जॉब की एज के थे। तो अब शायद उन्हें एहसास हो रहा है कि उन्होंने जो जो अब तक रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली है वो अपनी तरीके से कम्प्लीट की है, यानी पूरी तरीके से उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए डेडिकेशन लिया है। शायद इसीलिए अब आगे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि ये अपनी फैमिली
खुद की फैमिली, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उससे जुड़े भी कुछ ख्याल है। बिजनेस, अगर कुछ लोग जॉब वगैरह कर रहे हैं तो शायद उनके मन में किसी बिजनेस की भी बात आ रही है, यानी कि अब तक अगर जॉब करके वो थोड़ा स्ट्रेस फील कर रहे हैं, किसी के अंडर काम करते हैं तो ऑब्वियसली कुछ बातें सुननी पड़ती हैं, तो शायद कुछ लोगों के माइंड में यही भी आ रहा है कि अपना खुद का कुछ बिजनेस वगैरह स्टार्ट करें, तो ऐसी भी कुछ बातें शायद कोई सोच रहा है। वापस से वही कार्ड आया है बिजनेस माइंडेड, तो जैसे यहाँ पे ये है किसान, वो अपने फल वगैरह बेच के जो पैसा मिलेगा ये बिजनेस में ही आता है, तो अपना शायद कुछ खुद का करने के बारे में करियर से जुड़ी कुछ बात सोच रहे हैं। न्यू स्टार्ट, जिंदगी में एक नया स्टार्ट लेना चाहते हैं, और जैसे शादी के बाद एक नई दुनिया हर किसी की स्टार्ट हो जाती है, वैसे ही शायद किसी नए स्टार्ट के बारे में सोचा जा रहा है। अचीवमेंट, जैसे यहाँ पे ये नाइन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि इस किसान ने मेहनत करके ये सब सक्सेस हासिल किया है, वैसे ही अपनी जिंदगी में उन्होंने जो भी अब तक अचीव किया है उस अचीवमेंट के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि उसमें आपका प्यार भी शामिल है। आपका दिल जीतना ये भी शायद उनके लिए एक अचीवमेंट ही था, मतलब आपसे ये कबूल करवाना कि हाँ यू ऑल्सो लव हिम और लव हर, ये भी शायद उनके लिए एक बहुत बड़ा सक्सेस है, और उस सक्सेस को भी ये शायद याद कर रहे। ट्रेडिशनल, जैसे यहाँ पे इस कार्ड में हमें पता चल रहा है कि ये ट्रेडिशनली एक दूसरे के हो रहे हैं, इसने भी व्हाइट ड्रेस पहना है, ये पर्सन भी अच्छे खासे ड्रेस में है, और ये जो एंजल या जो कोई है वो भी फुल ट्रेडिशनल लुक में है, तो वैसे ही ट्रेडिशनल बातों के बारे में सोच रहे हैं, यानी कि कुछ रस्में कुछ रिवाज होते हैं शादी ब्याह से जुड़े, उनसे भी शायद जुड़ी कुछ बातें इनके मन में आ रही है। डेस्टिनी, जैसे पहला ही कार्ड था पेट का, तो ये वापस से कार्ड आया डेस्टिनी, तो किस्मत में क्या क्या है ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन जैसे अब तक हमें जो भी मिला है वो हम कहते हैं कि ये मेरी किस्मत में था इसलिए मुझे मिला, वैसे ही किस्मत ने अब तक इन्हें क्या क्या दिया है इसके बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे शामिल है आपका प्यार भी। ट्रैवल, कुछ लोगों के मन में ट्रैवल करने का भी ख्याल आ रहा है, यानी कि अगर आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है इनके मन में आपसे पर्सनली मिलने का ख्याल है, या फिर अगर ये अपने पेरेंट्स से दूर रहते हैं तो हो सकता है अपने पेरेंट्स से मिलके अपने दिल के जज्बात उनके सामने रखने की बात भी शायद इनके मन में आ रही है, और शायद इसीलिए ट्रैवल का कार्ड आया है। तो जनरल रीडिंग है, आज का रीडिंग तो बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है, जैसा कि हमने स्टार्ट किया था, अच्छा सोचिए, पॉजिटिव सोचिए, रिजल्ट्स तो मिलेंगे, जो मिलना है ऊपर वाला वो देख लेगा, लेकिन हम अपनी तरफ से पॉजिटिविटी की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।